हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राम प्रकाश गौतम और आज हम एग्जिम में इनको टर्म्स में कॉस्ट इंश्योरेंस एंड ट्रेड CIF का रूल जो है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या है CIF। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस करते हैं या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की कंपनी में डॉक्यूमेंटेशन का काम देखते हैं, या आप कभी इंटरव्यू में देने जाते हो ना, तो FOB, CIF, CNF ये सब इम्पोर्टेंट इनको टर्म्स है। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी है और इसका डिटेल चर्चा हम करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि इंटरनेशनल इनको टर्म्स जो है वो 13 तरह का होता है, 13 टाइप्स होता है इनको टर्म्स। और इको टर्म्स क्या है? इको टर्म्स एक जो है लॉ है जिसमें ना सारे कंडीशंस लिखे हुए हैं दो कंट्री के बीच, ऑल वर्ल्ड में। इनको टर्म्स के बारे में इन डिटेल में मैंने सेकेंड अदर वीडियो जो है ना FOB का, उसमें मैंने बता रखा है। तो इसमें मैंने आपसे चर्चा FOB के बारे में कर चुके हैं ऑलरेडी, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा और मैं लिंक में भी यहाँ दे दूंगा। तो FOB के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट फेमस इनको टर्म्स है। ठीक उसी तरह आज जो हम चर्चा करेंगे वो इसके बारे में करेंगे, CIF के बारे में, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट VVI जिसको कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनको टर्म्स है। इको टर्म्स एक इतना अच्छा मतलब इंटरनेशनल टर्म्स है, इंटरनेशनल कॉमर्शियल ट्रेड टर्म है कि आप जब भी कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करोगे तो दो कंट्री के बीच कोई दिक्कतें ना हो बायर और सेलर के बीच। इसलिए इस टर्म्स को ऑल वर्ल्ड, पूरा का पूरा होल वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट किया है, वर्ल्ड के सारे कंट्रीज इसको एक्सेप्ट किए हैं। तो आज मैं चर्चा करूंगा CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट के बारे में। तो CIF इनको टर्म्स जो है वो क्या है इसके बारे में आज हम जानेंगे। CIF टर्म्स मुझे होता है, इसमें सेलर और बायर दोनों का एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें सेलर जो है ना वो गुड्स को FOB तक तो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। अब FOB के बारे में मैं वीडियो बता रखा हूं, उसको आप देख लेना, फिर भी अभी मैं आगे डिटेल में आपको बताऊंगा। FOB तक का तो कंडीशन उसे फुलफिल करना ही है, उसके आगे भी करता है, यही है CIF। यानी कॉस्ट भी होगा, इंश्योरेंस भी होगा और फ्रेट भी लगेगा, ताकि दोनों कंट्रीज के बीच, दोनों इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच कोई भी पंगा ना हो। तो आइए इसको हम समझते हैं यहां से, CIF क्या है। सबसे पहली बात, CIF याद रखिएगा, जो CIF का जो काम होता है, ये जो टर्म्स है ये यूज होता है ओनली ओशियन एंड इनलैंड वाटरवे। मतलब CIF अगर कोई मटेरियल आप बाय एयर ला रहे हो ना फॉरेन से, चाइना से, तो उसमें CIF कंडीशन नहीं होगा। CIF कब होगा? जब आप माल को समुंदर के रास्ते लाते हो, समुंदर के रास्ते, याद रखना, समुन्दर के रास्ते अगर आप लाते हो तब, यानी कि पानी के रास्ते लाते हो आप माल को, तब जा करके ये टर्म्स यूज किया जाता है CIF का। ठीक है ना, ये मान लो ये समुन्दर है यहाँ यहाँ तक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, यहाँ तक ऑन अराइवल, इस पॉइंट तक जो है, यहां तक जो है सेलर जो है एक्सपोर्टर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन याद रखना कि रिस्क, कॉस्ट इंश्योरेंस और फ्रेट तो यहां तक आएगा, लेकिन रिस्क जो है वो यहां पे आके खत्म हो जाता है। यहां पे आते ही रिस्क सेलर का खत्म, ये ध्यान आपको रखना है। लेकिन इंश्योरेंस और फ्रेट आपको लगाना पड़ेगा, रिस्क तो खत्म हो जाता है बट कॉस्ट की अगर हम बात करें तो वो यहां तक लाना पड़ता है। यानी कि सेलर के अपने फैक्ट्री से माल बना, ये सेलर का फैक्ट्री है, यहां से इसने गाड़ी में माल लोड किया,
लोड माल को कैरियर के थ्रू लाएगा। कहां तक लाएगा आपको? शिप जहां लगता है, जो पोर्ट है उसके बाहर तक ले आया अपना, ठीक है। यहां पे लाने के बाद जब ये शिपमेंट, ये मटेरियल आपको शिप पे लोड हो जाता है, तो यहां पे इसका रिस्क खत्म हो जाता है। रिस्क का मतलब कि अगर डैमेज उमेज होगा तो वो इंपोर्टर का होगा, इधर के वाले पार्टी का होगा, ये याद रखना है। इधर वालों को कोई मतलब नहीं है। लेकिन इंश्योरेंस, यहां पे इस माल का जो इंश्योरेंस होगा, मैरिन इंश्योरेंस, वो कौन करेगा? सेलर, एक्सपोर्टर जो है वो करेगा आपको यहाँ पे इंश्योरेंस, और यहाँ तक का फ्रेट भी पे करेगा कौन? एक्सपोर्टर। अब ये जो इंश्योरेंस होता है ना, ये मिनिमम बेस पे होता है, ये ध्यान रखना। मिनिमम बेस का मतलब होता है कि इंश्योरेंस जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स को तो कवर करना ही करना है, किसी भी कीमत पे इट्स मस्ट कवर द प्राइस ऑफ गुड्स प्लस 10% एक्स्ट्रा लेके ये चलते हैं, यानी कि मिनिमम लेवल जो इनका है यही है। अब अगर इंपोर्टर चाहता है कि मैं थोड़ा और हाई वैल्यू का, ऐसे देखिए, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स कवर हो गया और 10% और एक्स्ट्रा हो गया, तब तो जरूरत ही नहीं है मैक्सिमम कराने की इंश्योरेंस। तो इस काम से एक्सपोर्टर के भी इंश्योरेंस से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप मटेरियल जब यहाँ पे पोर्ट पे आ जाता है, और यहाँ पे देखिए एक्सपोर्टर का काम होता है कि एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना, एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंट्स कराना, एक्सपोर्ट्स का ड्यूटी जितना पे करना है वो सारी चीजें एक्सपोर्टर कराता है। और ये यहाँ पे देगा कॉमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, और एक चीज होता है जो इम्पोर्टेंट है, बिल ऑफ लेडिंग। जो बिल ऑफ लेडिंग होता है, ये बिल ऑफ लेडिंग यही होता है, अगर बिल ऑफ लेडिंग अगर आपको यहाँ पे आते ही ट्रांसफर होता है टाइटल का, डॉक्यूमेंट्स का, और अगर टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ, यानी अगर इंपोर्टर ने, अगर बायर ने, ये जो बायर है, अगर इसने पेमेंट पूरा नहीं किया होगा, तो यहाँ पे ये बिल ऑफ लेडिंग नहीं देगा। इसलिए बिल ऑफ लेडिंग लेना बहुत जरूरी है, ये याद रखना, बिल ऑफ लेडिंग, BOL लेना जरूरी है। अब बिल ऑफ लेडिंग जब ले लेते हो आप, तभी जा करके यहाँ पे क्लियर होगा माल। अगर बिल ऑफ लेडिंग नहीं लिया गया तो यहाँ पे कस्टम क्लियरिंग इंपोर्टर नहीं करवा सकता है, क्लियर। अब पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग, कॉमर्शियल इनवॉइस, सारा कुछ ले लेने के बाद यहाँ तक का सारा खर्चा, सारा एक्सपेंस यहाँ तक इस जहाज में, शिप में रखने तक का एक्सपोर्टर करेगा। जो यहाँ पे माल आया, तो यहाँ से जो ये यहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट होती है, वो सारी एक्टिविटी यहाँ से लेके फैक्ट्री लाने तक, इंपोर्टर के वर्क प्लेस लाने तक, जितने एक्सपेंस होंगे, चाहे CHA का एक्सपेंस हो, सारे के सारे एक्सपेंस कौन करेगा पे? बायर करेगा पड़े। यहाँ ओशियन का जो फ्रेट चार्ज है, ये ओशियन फ्रेट चार्ज आपको जब PI दिया जाता है, CIF कंडीशन अगर मेंशन है, तो ओशियन फ्रेट चार्ज भी एक्सपोर्टर यानी सेलर ही करेगा, और ये आपका कॉस्ट में इंक्लूड होता है। अब जितना भी रिस्क है, ऑल रिस्क ऑफ लॉस डैमेज फ्रॉम द टाइम और एंड ऑफ द पीरियड एग्रीड फॉर डिलीवरी, इफ द बायर फेल्स टू गिव नोटिस ऑफ द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, द रिस्क इज अंडर द बायर। इसको क्लियरली समझ लेना, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। और सबसे बड़ी बात है, जो इंश्योरेंस का आपको मैंने बताया कि कोई भी इंश्योरेंस का इंपोर्टर जो है, जो इंपोर्ट कर रहा है, बायर जो है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, बट सेलर की ऑब्लिगेशन होता है। मस्ट ऑब्टेन, द सेलर विल मस्ट ऑब्टेन कार्गो इंश्योरेंस, उसका मस्ट है कार्गो इंश्योरेंस लेना। एडिशनल इंश्योरेंस कवरेज अंडर द बायर अकाउंट हो जाएगा। अगर यहां पे, अगर आपको कार्गो का इंश्योरेंस तो सेलर ले लेगा, बट अगर इफ एनी एडिशनल इंश्योरेंस कवरेज लेना है,
उसका कॉस्ट जो है वो कौन देगा? बायर देगा। वो कॉस्ट बायर को देना है, ना कि सेलर देगा, ये ध्यान रखना है। और सारे डॉक्यूमेंट्स ये आपको दे ही देंगे। अब देखिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो क्लियरेंस होता है, जितना भी एक्सपोर्ट का क्लियरेंस है, चाहे लाइसेंस है, सिक्योरिटी है, इंस्पेक्शन है, वेटिंग करवाना है इसका माल का, जितना भी सारे यहाँ पे जो इंस्पेक्शन होगा कस्टम के थ्रू, यहाँ पे जो मटेरियल का इंस्पेक्शन वगैरह होगा एक्सपोर्ट पे, वो सारे एक्सपेंस, मतलब मैं जो ये लाइन खींचा हूँ यहाँ तक का, इसको करना है। रिस्क कवर यहाँ तक रहेगा, लेकिन कॉस्ट कवर की बात करें तो ये पूरा का पूरा एक्सपोर्टर का है, यानी कि सेलर का है यहाँ तक का पूरा, ये याद रखना आप, ठीक। और यहां से शुरू हो जाता है, यहाँ इस पॉइंट से शुरू होता है इंपोर्टर का काम, यानी कि इंपोर्टर का देखिए इजी है, रिस्क खत्म यहाँ पे हो जाता है, बट कॉस्टिंग, इंश्योरेंस, फ्रेट, ये सारे कुछ यहाँ तक का, एक्सपोर्ट तक का, यानी कि अगर चाइना से शेंजन पोर्ट से माल चला तो नावा सेवा तक का जो एक्सपेंस होगा वो करेगा कौन? सेलर, चाइना वाला करेगा। नावा सेवा से जो यहाँ पे अब खर्चा होगा बायर तक, मतलब दिल्ली तक लाने का, जैसे ट्रेन से आएगी तुगलकाबाद या पटपड़गंज पोर्ट पे आता है, या दादरी दादरी कस्टम में आता है पोर्ट, तो आपको नावा सेवा आ जाएगा, वहां से बाय ट्रेन आएगा माल, तो बाय ट्रेन चाहे आपको पटपड़गंज आ जाए आईसीडी पे, या आईसीडी आपको तुगलकाबाद टीकेडी आ जाए, या दादरी आ जाए, तो जहां भी आया वहां तक का खर्चा आपको देना पड़ेगा, फ्रेट क्लियरेंस वगैरह का इंपोर्ट में, और फिर कस्टम हाउस से आपकी कंपनी तक का लाने का जो एक्सपेंस होगा वो आपको देना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यही है CIF, इसमें जहां तक मुझे लगता है कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, बट मैं आगे आपको बताऊंगा कि CIF, FOB और एक और टर्म होता है CNF, उसकी चर्चा हम करेंगे, उसके बाद इन तीनों में बेटर कौन होगा आपके लिए उस पे हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और इसमें कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट